ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ सभी दुखी हैं। अब जैसे माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, अब उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य बना है। क्योंकि माता पिता जब बच्चा या बेटा या बेटी उत्पन्न होती है, बेटी उत्पन्न होती है उसका तो उद्देश्य पता होता है, ये तो पराई होनी है, उसको भी प्यार से पालता है, अपने सीने से लगाकर। ऐसा नहीं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि हमें भी कोई ऐसे एक पाल कर एक बेटी देगा, और उसका मुख्य उद्देश्य बेटे के ऊपर रहता है कि बेटा बड़ा होगा, पुत्रवधु आवेगी और हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें हमारी सेवा करेंगे, हैं हमें बैठों को खाना देंगे, उंगली पकड़ कर इधर उधर हमें ले जाया करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो बच्चों की परवरिश करता है, इस उमंग से रात देखता ना दिन देखता। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो डिजर्व करते हैं आपसे वो सेवा, और आप वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि हम यहाँ भयंकर जाल में फंसे हुए हैं, और परमात्मा ने जो हमें यहाँ कर्तव्य दिया है उसको ना निभाकर भी हम दोषी बन रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, और काल तो हमसे पाप करवाता रहता है ताकि ये मेरे जाल में फंसे रहें। तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर इन सब नातों का जो भी आपकी भूमिका है, जो भी आपका रोल दिया है, उसको निभाना है। बच्चों का पालन पोषण भी आपने बड़ी प्यार से करना है, ऐसे ढंग से करना है कि ये मालिक के बच्चे हैं और माता पिता भी मालिक के बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, इनको प्यार दे। बूढ़ा आदमी प्यार का भूखा होता है, प्यार तो बोल पड़े बस उसने, वो भूखा भी रह जाएगा। उसको पता है कि तेरी सटेज ऐसी होगी, जो मिल जाए वो खा ले चुप करके, नखरे मत करें। और नहीं करते हैं जो समझदार होते हैं, तो उनको प्यार से ही बोल पड़ो, इतना ही काफ़ी होता है। कोई वस्तु की चाह करते हैं तो तुरंत हाँ अवश्य करेंगे, माता पिताजी अभी करते हैं, चाहे दो दिन लेट भी हो जाए, पर बोला राजी, इतने में खुश हो जाया करें। और जब बच्चे हैं आपके, तो बच्चों का भी आपने पालन पोषण करना इस दृष्टिकोण से चाहिए कि तेरे ये भगवान के बालक हैं, उस सच्चे मालिक के बच्चे हैं, और हमारी ड्यूटी दे दी, हम इनके सेवक हैं। जैसे एक नौकरानी रखी जाती है घर पे, नौकरानी रखी जाती है और उसकी ड्यूटी लगा दी कि इस पुत्र की या पुत्री की, बेटा और बेटी है मेरी, उस मालिक ने नौकर रख ली और इनकी ड्यूटी लगा दी, उनका पैसा दे दिया कि ये इनका सामान है, ये इसको खाना खिलाना है, कपड़े पहनाने हैं, इस प्रकार इनको नहाना धोना है और स्कूल छोड़ के आना है, विद्यालय ले जाना है और लाना है। अब वो बहन, वो नौकरानी या नौकर उस मालिक के बच्चे जान के उन बच्चों की अपने बच्चों से भी ज़्यादा केयर टेक करता है, और जब उसको निकाल दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो मुड़ के नहीं देखता फिर उन बच्चों की तरफ। और जब तक वो नौकर रहता है, उनकी सेवा की ड्यूटी है, वो बहुत चिंतित रहता है कि मालिक गुस्से ना हो जा, इनकी कोई सेवा में फर्क रह जा, कोई कमी ना आ जाए। पहले हमने इस काल के इस षड्यंत्र को समझना होगा, फिर षड्यंत्र समझ में आने के बाद फिर क्या है कि जैसे यहाँ कोई भी आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता, बहन, भाई है, ये सभी अपने हैं, चाहे कोई रिश्तेदार है या बाहर वैसे कोई प्राणी है, दूर देश का है, गांव का है, कोई भी प्राणी है, ये सब अपने ही हैं, हम एक पिता की संतान हैं।